जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे और अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि स्क्रैप बोर्ड से आपको क्या क्या फायदे होते हैं, दोस्तों इनको लेना आपके लिए क्यों आवश्यक है। दोस्तों हमारे पास आज कई कई सारे स्क्रैप बोर्ड हैं, आज मैं आपको बताऊँगा इनका एक्चुअल क्या काम होता है प्रॉपर तरीके से। दोस्तों ऐसा नहीं है, स्क्रैप बोर्ड आपके कई तरह के आते हैं। कुछ बोर्ड में आपका ओनली स्वैपिंग, मतलब आप उसमें MM से CPU लगा के सेट को ऑन कर सकते हैं, वो फ्रेश होते हैं। दोस्तों जो फ्रेश नहीं है उसमें आपका क्या क्या काम हो सकता है, इसका मतलब है आपको स्क्रैप बोर्ड क्यों लेने चाहिए दोस्तों, और आपको अपने स्क्रैप बोर्ड को कब बिल्कुल ही सेल आउट कब करें, जब उसमें से अपना इम्पोर्टेंट सामान को निकाल लें, वो क्या है एक बार हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक, ऐसी वीडियो में लाता रहता हूं आपके लिए जिससे आपका कुछ ना कुछ तो फायदा हो। दोस्तों हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से, आईफोन ट्रेनिंग, ठीक है, जो भाई इंटरेस्टेड है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं स्क्रैप बोर्ड का किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं ए से लेकर जेड तक। दोस्तों स्क्रैप बोर्ड आपके इसलिए भी खास होते हैं क्योंकि कुछ इसमें देखो फ्रेश बोर्ड है, इसमें देख सकते हैं Y2 का है जो कि एकदम कंप्लीट फ्रेश बोर्ड है। आपको इसमें ओनली MM से और CPU लगा सकती हैं और सिंपली आपका सेट ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये स्क्रैप बोर्ड इस तरह से, दोस्तों अगर आप समझो इस बोर्ड का कीमत जो भी रहेगा आपका, ठीक है, पर इसमें जो लगने वाली IC तो आपकी सारी काम की होंगी, भले ही आपका ये बोर्ड खराब हो पर आपका इसमें से आपका पावर IC, ठीक है, आपका चार्जिंग IC, नेटवर्क सेक्शन, WTR, 2G बैंड, 4G बैंड की IC। दोस्तों इसका मतलब है कि जो आप बाजार से ICU खरीदते हैं, ऐसा नहीं है कि बाजार वाले IC भी खराब निकल जाए। जैसे आपका समझो ये एक 5A की पावर है, ठीक है, पावर IC है, आपने इसे बाजार से खरीदा, बाजार वाले IC अगर आपकी खराब निकल गई तो ये आपकी टेस्टेड है, ये आपकी टेस्टेड है, इसका मतलब ये काम करेगी करेगी, इस पर हमारा नो डाउट हो सकता है। अगर इस पर हीटिंग नहीं लगी है तो ये आपका 100% आपकी वर्क करेगी। दोस्तों इसलिए हमको स्क्रैप बोर्ड को पहले बेचना नहीं चाहिए, हमको इसमें से क्या क्या चीज़ निकालनी चाहिए वो आपको समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा निकालने की जो यहाँ से आप क्या क्या चीज़ को निकाल सकते हैं वो एक बार आप देख लेते हैं। देखो जैसे आपका यहाँ पर अगर आप अपने स्क्रैप को बेच रहे हैं या सेल आउट कर रहे हैं तो इसमें आपको देखो ये जो आपकी ग्राफिक्स IC इसे निकाल लें, ठीक है, इसके अंदर आपके लाइट IC होती है, डायोड होता है, उसे निकाल लें, और ये आपका 4G और 2G बैंड को निकाल लें, और आपका ये यानी कहने का मतलब मेरा जितना भी आपकी ICs हैं सारी ICs को आप निकाल के रख लें, ठीक है, ये सभी ICs को, उसके बाद ही अपने बोर्ड को सेल आउट करें, ठीक है। अगर आप बेचना ही चाहते हैं तो ये जरूर चीज़ निकाल लें, क्योंकि इससे क्या है एक IC समझो आपका एक IC का कीमत जो बाज़ार में है वो आपका 200 से लेके 230 यानी 300 तक का प्राइस होता है, ठीक है। बट जब आप इस स्क्रैप को खरीदोगे ये टोटल पूरा स्क्रैप ही आपको मिल जाएगा 300, ठीक है, 300-400 रुपये का जो भी है आपका, अलग अलग रेट है अलग अलग जगह पर। तो इससे क्या है समझो यहाँ पर हमको पावर मिल गया, ठीक है, हमने स्क्रैप खरीदा, समझो हमने स्क्रैप खरीदा आपका 300 रुपये, तो हमें पावर मिला एक, ठीक है, जो कि पावर का ही आपका प्राइस रहता है कम से कम 300 रुपये का, ठीक है। यहाँ पर आपका WTR जो कि आपका 150 रुपये के करीबन आता है, ठीक है, अच्छी कंपनी का। अगर आप ये IC लेंगे तो ये भी आपकी कम से कम नहीं तो 150-150 रुपये की IC ये भी आती है, ठीक है। यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ जैसे आपका लाइट का बूस्ट कॉइल हुआ, ठीक है, यहाँ पर आपके बल्क कॉइल्स आपको मिल जाते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं, 1 माइक्रो हेनरी या आपके 1.5 माइक्रो हेनरी, तो आप यहाँ पर इन्हें निकाल के चेक कर सकते हैं, क्रिस्टल मिल जाता है आपको, और जो भी सभी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके लिए आप स्क्रैप बोर्ड को ज़्यादा खरीदें, आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें, इस पर इन बोर्डों पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे समझो आपको आपके पास एक और मदरबोर्ड है जो कि डेड है, तो आप क्या करें उसका MM से CPU उसके अंदर लगा के चेक करें, ठीक है। इससे क्या है स्क्रैप बोर्ड आपको आपके लिए प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखें ये आपके प्रैक्टिस के लिए बोर्ड होते हैं। देखो प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप पहले तो आप इस पावर IC जो आपका पावर IC है, ठीक है, इसको आप पहले चाय लगा के इनके सभी के वोल्टेज चेक कर लें कितने वोल्टेज आ रहे, फिर इस IC को निकालें, फिर इसमें लगाएं, फिर चेक करें कि यहाँ हमारे वोल्टेज जितने पहले बन रहे थे उतने बन रहे हैं कि नहीं। इससे क्या है आपका पावर IC लगाने का तरीका है वो परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा आपको स्क्रैप बोर्ड को किस तरह से यूज में लेना है, ठीक है। अगर आप अपने स्क्रैप बोर्ड को सेल आउट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उनमें से जो आपकी इंपॉर्टेंट IC होती हैं जो कि बाजार में बहुत कॉस्टली मिलती है उनको जरूर निकाल लें, उसके बाद ही आप इसे सेल आउट करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों,
फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।